moving on question number 7 of exercise 8b 6th part we have to simplify uh, we have to multiply in uh, outer value with the inner value and then solve the question like uh, we will multiply outer uh, outer number variable with the inner variable as we multiply question number as we multiply the numbers in question number uh, 5 and question number 3 so how we multiply let's start we have to multiply ए विद ए ए स्क्वेयर विद ए स्क्र हमने ए स्क्र को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है एंड हाउ वी मल्टीप्लाई एज आई टोल यू बिफोर इफ़ द बेस आर सेम अगर बेसिस सेम होंगी एज वी ऑलरेडी नो इफ द नंबर इज ए स्क्र हेयर ए इज बेस एंड टू इज एक्सपोन सो इफ बेसिस आर सेम देर एक्सपोन विल बी एडेड एज आई टोल यू बिफोर एज वी नो सो वी विल राइट ए टू प्लस टू फोर इफ़ द बेसिस आर सेम देर एक्सपेरेंट विल भी एडेड सो इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है जहाँ पर कोई साइन नहीं होता है वहाँ पर क्या साइन होता है ग्रेट सेवन प्लस का साइन होता है सो ए टू प्लस टू ए क्या आएगा फोर आ जाएगा एंड वी विल राइट द डायरेक्ट मेथड ए फोर प्लस 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 अब देखिए यहाँ पर बेसिस क्या है डिफरेंट हैं बेस जो हमारे पास सेम नहीं है अब हम क्या करेंगे अगर बेसिस हमारे पास डिफरेंट होंगी हम उनको एज इट इज ही राइट करेंगे बट इन द मल्टीप्लिकेटेड फॉर्म जब दरमियान में दो आ, आ, जो है वेरिएबल्स या दो लेटर्स के दरमियान में कोई साइन नहीं होता वो क्या शो कर रहा होता है ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सो ना प्लस 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 अगेन बेसिस आर डिफरेंट सो ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर एज इट इज राइट करेंगे उनको अगेन हमारे पास एक ब्रैकेट हमारी सब सोल्व हो गई है नेक्स्ट की तरफ जाएंगे अब नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है जो नेक्स्ट वेरिएबल है जो नेक्स्ट हमारे पास लेटर है उसके साथ तो हमारे पास क्या साइन है माइनस का साइन है यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो प्लस का साइन था अब हमने पूरे नंबर्स को पूरा उसका साइन और जो हमारे पास वेरिएबल है या लेटर है उसको हमने क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई करना है सो यहाँ पे कोई साइन नहीं है ए के साथ तो क्या साइन होगा प्लस का साइन होगा एज ए टोली बिफोर प्लस माइनस माइनस जब हमको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है नाउ प्लस माइनस माइनस बेसिस आर डिफरेंट सो क्या करेंगे एज इट इज राइट करेंगे ए स्क्वेयर बी स्क्र ए स्क्र प्लस माइनस माइनस सेम अगेन बेसिस आर सेम इफ आर सेम एक्सपोनेंट विल बी एडेड सो बी फोर टू प्लस टू फोर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्र बेसिस आर डिफरेंट सो क्या आएगा बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस अगेन सेम हो जाएगा हमारे पास बेसिस आर डिफरेंट सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस बेसिस आर सेम सो टू प्लस टू आंसर क्या आएगा फोर आ जाएगा अब हमने क्या किया इसको एक स्टेप करके सिंप्लीफाई कर लिया नंबर्स को हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने क्या करना है अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लिया अब हमने देखना है कि यहाँ पे कोई सेम नंबर्स तो नहीं आ रहे ऑपोजिट साइन के साथ यहाँ पे सिर्फ अभी हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया है नेक्स्ट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है यहाँ पे चेक करना है क्या कोई सेम वेरिएबल्स डिफरेंट साइन के साथ तो नहीं आ रहे ऑपोजिट साइन के साथ तो नहीं आ रहे अगर वो ऑपोजिट साइन के साथ होंगे तो हम उनको क्या करेंगे कैंसिल करेंगे कैसे करेंगे हम पहले चेक कर लेते हैं इज इक्वल ए फोर ए फोर है हमारे पास फर्स्ट वन नंबर फर्स्ट वन जो हमारे पास वैल्यू है वो एर है हमने चेक करना है कि हमारे पास जो अग, अगला हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ए फोर कहीं रिपीटेड तो रिपीट तो नहीं हो रहा यहाँ पे हमारे पास ए फोर रिपीट नहीं हो रहा है तो हम ए फोर को एज इट इज़ राइट करेंगे प्लस ए स्क्यर बी स्क्र है हमारे पास हम अगेन चेक करते हैं कि यहाँ पे ए स्क्र बी स्क्यर अपोजिट साइन के साथ तो नहीं आ रहा यहाँ पे देखें माइनस बी स्क्र ए स्क्यर ए स्क्र एंड बी स्क्र बी स्क्र एंड ए स्क्यर आर क्वाइट इक्वल लाइक ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है हमारे पास ये कम्यूटेटिव लॉ है ए बी इज इक्वल टू बी ए ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन की सो so, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे ए स्क्यर बी स्क्यर जो है वो इक्वल uh, है बी स्क्र ए स्क्यर के यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे इसके साथ क्या है माइनस का साइन है तो ये अपोजिट साइन के साथ हमारे पास आ रहे हैं सेम नंबर्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है ए स्क्र सी स्क्वेयर जैसे हमने चेक किया कि ए स्क्वेयर बी स्क्यर के साथ कोई अपोजिट साइन वाला सेम नंबर तो नहीं आ रहा हम अगेन यहाँ पे चेक करेंगे ग्रेड सेवन के ए स्क्यर सी स्क्वेयर या सी स्क्यर ए स्क्यर ऑपोजिट साइन के साथ तो नहीं हमारे पास आ रहा हम चेक करते हैं यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास है माइनस सी स्क्वेयर ए स्क्यर अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं नाओ हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास माइनस बी फोर ये हमारे पास हो गया नहीं माइनस बी स्क्र ए स्क्र हमने ऑलरेडी कर चुके हैं ए स्क्यर सी स्क्यर हमने राइट कर लिया है सी स्क्र ए स्क्र यहाँ से हमारे पास आया नेक्स्ट हमारे पास नंबर क्या है बी फोर है हमारे पास नंबर ओके okay? अब हमने क्या करना है चेक करना है बी फोर अपोजिट साइन के साथ तो नहीं आ रहा यहाँ पे बी फोर वाली कोई वैल्यू ही नहीं है नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन स्टेप नेक्स्ट वन नंबर पर हम चेक करते हैं नेक्स्ट वन वैल्यू पर जाते हैं बी स्क्र सी स्क्यर ये हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं no. नो सो so, अब हम चेक करेंगे माइनस बी स्क्यर सी स्क्वेयर के साथ कोई आ, आ, और वैल्यू तो नहीं आ रही यहाँ पे चेक करें माइनस सी स्क्वेयर बी स्क्यर हमारे पास है एज आई टोल्ड यू बिफोर इट्स अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कि वो अगर ए बी है या बी ए है तो वो सेम ही नंबर्स हैं तो नाउ हमने सी स्क्र ए स्क्यर ऑलरेडी राइट कर लिया है सी स्क्र बी स्क्यर भी राइट कर लिया है अब हम राइट करेंगे माइनस सी फोर इट्स द लास्ट वैल्यू अब हमने क्या करना है अब देखिए हमारे पास नंबर हो टू प्लस टू एक माइनस टू है और एक प्लस टू है दो नंबर हैं प्लस माइनस माइनस टू में से टू माइनस करेंगे आंसर जीरो आएगा सो so, अब यहाँ देखें देखेंगे सेम वैल्यूज़ हैं बट ऑपोजिट साइन है यहाँ पे टू और टू सेम वैल्यूज़ है ना बट इनके साथ क्या है ऑपोजिट साइन है तो ऑपोजिट साइन से हमारे पास क्या आंसर दे रहे हैं जीरो आंसर दे रहे हैं अब हम क्या करेंगे जो ऑपोजिट साइन वाले नंबर हैं सेम नंबर हैं उनको उनकी प्लेस पर या तो जीरो राइट कर देंगे या उनको क्या करेंगे कट कर देंगे ये भी ऑपोजिट साइन के साथ सेम नंबर है ए स्क्र सी स्क्र माइनस सी स्क्वेयर ए स्क्र ये भी ऑपोजिट साइन के साथ सेम नंबर है तो ये भी हमारे पास क्या होगा कट हो जाएगा उसको कैंसिल कर देंगे सॉरी माइनस बी फोर हमारे पास नंबर है एक और नेक्स्ट वन हमारे पास नंबर देखें माइनस बी स्क्यर सी स्क्वेयर एंड माइनस सी स्क्वेयर बी स्क्यर अब हम इसको कैंसिल तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे माइनस बी स्क्र सी स्क्वेयर और यहाँ पे प्लस बी स्क्र सी स्क्वेयर होता तब हम इसको क्या करते कैंसिल कर देते अब यहाँ पे माइनस माइनस तो क्या होता है एज एज ए टोली बिफोर गेट सेवन माइनस माइनस क्या होता है प्लस अब हम नंबर्स को क्या कर रहे हैं प्लस ऐड या सब्जैक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे साइन माइनस का आएगा लेकिन वैल्यूज़ क्या होंगी प्लस हो जाएंगी अगर तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब उस क्या होता है हमारे पास Uh, जो है वो साइन प्लस का आता है बट हम इसको क्या कर रहे हैं नंबर को प्लस और माइनस कर रहे हैं हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे साइन किसका आएगा माइनस का आएगा और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है जहाँ पे वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ पर कोफिशिएंट क्या होता है वन होता है सो वन प्लस नंबर क्या आएगा टू बी स्क्र सी एंड माइनस सी फोर ही हमारे पास लास्ट वैल्यू थी सो so, अब हम इसको अरेंज करके रेड कर लेंगे ए फोर माइनस बी फोर माइनस सी फोर एंड माइनस टू बी स्क्र सी स्क्वेयर दिस इज अ क्वेश्चन नंबर सेवन एक्स सिक्स पार्ट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन आर सेम